तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने विवाद को खत्म करने के लिए कावेरी नदी के पानी का बंटवारा कर दिया है। फैसले के मुताबिक तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी में कटौती की गई है। अब तमिलनाडु को 192 की जगह 177.25 टीएमसी फीट पानी मिलेगा, जबकि कर्नाटक को 14.75 टीएमसी फीट अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नदी पर किसी राज्य का अधिकार नहीं है, पानी राष्ट्रीय संपत्ति है, सबको उसके हक का ही पानी मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में जहां कर्नाटक के पानी को बढ़ाकर राज्य के लोगों को खुशखबरी दी है, तो वहीं तमिलनाडु को मिलने वाले पानी की मात्रा को घटा दिया है। कर्नाटक को कावेरी से 14.75 टीएमसी फीट अतिरिक्त पानी दिया जाएगा, वहीं तमिलनाडु का हिस्सा 192 टीएमसी फीट से घटाकर 177 टीएमसी कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुशी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगले 15 साल तक के लिए ये फैसला प्रभावी रहेगा। तमिलनाडु को इस फैसले से झटका लगा है। राज्य सरकार ने कहा कि इस फैसले के अध्ययन के बाद वे आगे की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट के इस फैसले से दशकों पुराना कावेरी विवाद आखिरकार सुलझ गया। आपको बता दें, कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलने वाली कावेरी नदी तमिलनाडु में बहते हुए पुम्बुहार में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तीनों राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अलावा पुडुचेरी कावेरी बेसिन में है। केरल और पुडुचेरी के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु ज्यादा पानी की मांग करते आ रहे थे। दरअसल ये विवाद तब और बढ़ गया जब कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का फैसला आया, जिसमें 120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर 2007 में कावेरी जल विवाद प्राधिकरण ने कावेरी बेसिन में जल की उपलब्धता को देखते हुए एक मत से फैसला दिया था। फैसले में ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु में 192 टीएमसी फीट पानी कर्नाटक द्वारा मेट्टूर बांध में छोड़ने के आदेश दिए थे। कर्नाटक को नदी का जल 270 टीएमसी फीट, केरल को 30 टीएमसी फीट आवंटित किया गया था। पुडुचेरी को 6 टीएमसी फीट आवंटित किया गया। 5 फरवरी 2007 को CWDT के फैसले से दोनों राज्य नाराज और असहमत थे। कर्नाटक ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट कर्नाटक को तमिलनाडु को केवल 132 टीएमसी फीट पानी छोड़ने की अनुमति दे। तमिलनाडु का कहना है कि ट्रिब्यूनल ने गलती से कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट पानी आवंटित किया था, जिसे कम कर 55 टीएमसी फीट किया जाना चाहिए और तमिलनाडु को और अधिक जल दिया जाना चाहिए। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर से फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसके बाद 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वो रोज तमिलनाडु को 9000 क्यूसेक पानी दें, लेकिन कर्नाटक ने पानी रोक दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकार लगाई और कहा कि वो इस फैसले पर अमल नहीं कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए माफी मांगी और पानी जारी करने की पेशकश की, लेकिन इसे लेकर वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ साल बाद कर्नाटक ने फिर पानी रोक दिया तो तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने उसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची और कहा कि ट्राइब्यूनल के निर्देशों के अनुसार उन्हें पानी दिया जाए। अदालत ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वो अगले 10 दिन तक तमिलनाडु को 12000 क्यूसेक पानी दे, लेकिन इसके खिलाफ कर्नाटक में लोग फिर सड़कों पर उतर आए। इस हिंसा के बाद 20 सितंबर 2017 को लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दशकों पुराने इस विवाद को खत्म किया। फैसले के बाद कोई तनाव न हो, इसलिए वहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीपी लाइव की रिपोर्ट।